करना, ये अद्भुत आदर्श इनके जीवन में है, इसीलिए हमें भी दिल से इनको याद करने का और दिल से इनको आशीर्वाद देने का बहुत मन होता है। प्रातः काल उठ करके प्रार्थना करते हैं और स्वाध्याय के श्लोक के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी और नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी को याद करके हम उनको आशीर्वाद देते हैं, ये दीर्घायु रहे, ये निरोगी रहे, इनके हाथों से पवित्र कार्य हमेशा होते रहे, ऐसे आशीर्वाद रहते हैं। और साथ ही साथ आशीष शेलार जी का मैंने याद कराया था, बड़े अद्भुत और कर्मठ है, बहुत सेवा भावी है। और मैनाशी जी महाराज साहब के चतुर्मास प्रवेश के दिन पुण्यशाली आशीष शेलार जी ने आजीवन मांसाहार का परित्याग करके हमारे मंगल कुमार जी लोढ़ा, आप जानते हैं एवरग्रीन है, कभी भी कोई काम हो तैयार, मेरा भारत अखंड रहना चाहिए, मेरा भारत पवित्र रहना चाहिए, सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए और हर प्रजा सुखी रहे, ऐसा उपक्रम करने वाली जो भी सरकार है उस सरकार के लिए ये साधु हमेशा हमेशा अपनी साधना के बल पर उनको विजय बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। प्रभावशाली आत्मा आपने देखा होगा मीरा भाईंदर का इतिहास, नरेंद्र मेहता जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे लोकप्रिय वहाँ के आमदार है, गीता जी वहाँ के मेयर रहे, इतने सेवाभावी और विनम्र जी मेयर है। प्रभावशाली आत्माएं वहाँ पर एक ही लक्ष्य था इलेक्शन का, ये इलेक्शन के अंदर दो ही एजेंडा थे, एक एजेंडा था अहिंसा का, एक एजेंडा था हिंसा का। आज तक हिंसा जीतती चली आई थी लेकिन इतिहास बदल गया और भारत का स्वर्णिम पृष्ठ नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद खुलने लग गया है। अहिंसा का विजय हुआ, ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी और बहुत आनंद होता है। आज जियो का भव्य शपथ ग्रहण समारोह, इतने सारे पदाधिकारी और इतने सारे डायरेक्टर्स, टारगेट ये लिया गया है 31 लाख जैन मुंबई के अंदर है, हर 4000 लोगों के बीच एक डायरेक्टर है और भगवान की कृपा से ये सारे डायरेक्टर इतने पवित्र, इतने कर्मठ, इतने सेवाभावी है, आपके हाथों से बताते हुए खुशी होती है। मोदी जी के हाथ से जो काम शुरू होता है वो हमेशा एवरग्रीन बन जाता है। बॉम्बे के अंदर ये सारे डायरेक्टर और पूरे इंडिया और इंटरनेशनल पवित्र आत्मा है रॉबी वेल्स जी, आज इतना समय निकाल करके अपने लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए सभी जगह पर है और आज प्रोविडेंस जी यहाँ बता रहे, उनको हार्टली ब्लेसिंग्स, दिल से आशीर्वाद है और सारे पुण्यशालियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री जी के हृदय के उद्गार हम सुनेंगे, उससे पहले आज यहाँ पर जो पवित्र उपक्रम के लिए जो भक्तिशालियों ने अपनी सेवाएं समर्पित की है और श्रमणी विहारम पूज्य साधु जी और मैनाश्री जी महाराज साहब ने जो पिछले यहाँ के चतुर्मास पहले के कार्यक्रम में अद्भुत गर्जना की थी, पूज्य साधु जी भगवंतों की निर्बाध सेवा हो, उनके विहार के अंदर कोई सुरक्षा की जरूरत न पड़े, हमारे लोग सुरक्षा और व्यवस्था करें, और उसके लिए जो उपक्रम शुरू हुआ था उसके अंदर जियो के श्रेष्ठ 15 डायरेक्टर जिन्होंने इस साल के अंदर 36 पूज्य साधु जी भगवंतों के ग्रुपों का लाभ लेकर के अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया है, उन 36 पुण्यशालियों में से मैं 3-3 पुण्यशालियों को यहाँ बुलाऊंगा और वो मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर बहुमान अनुमोदन करेंगे। सबसे पहले तिलक वगैरह लेकर के आए बाकी शादी आगे, सबसे पहले दो पुण्यशालियों को मैं बुलाऊंगा, पुण्यशाली सौरभ जी गौरा और पुण्यशाली ए के संघवी जी, ये दोनों मुख्यमंत्री जी का विजय तिलक करें। ये दोनों पुण्यशाली ने 36 बच्चे आज के लिए 36 साधु युवंतों की व्यारोज का उपक्रम किया, बाकी दोनों इधर इधर कंकु दीजिए, कंकु दीजिए उधर, कंकु सिर्फ कंकु तिलक वो बाद में हो, मैं बुलाऊंगा इसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए जोरदार सलामी से स्वागत, राष्ट्रीय सलामी से स्वागत किया जाए, राष्ट्रीय सलामी। कीबोर्ड कीबोर्ड सब म्यूजिशियन भरत भाई शाह, पीयूष जी संघवी और सबके लाडले ऐसे हमारे नवीन चंद्र डी मेहता और पुण्यशाली दिलीप जी पोरवाल, ये चारों पुण्यशाली आगे पधारे और मुख्यमंत्री जी को माला समर्पित करें। दो व्यक्ति यहाँ रहेंगे, दो व्यक्ति उस तरफ रहेंगे, माला एक लेनी है, दो यहाँ रहेंगे, पुण्यशाली नवीन चंद्र डी मेहता, भरत भाई शाह, दिलीप जी पोरवाल और पीयूष भाई संघवी, ये चार पुण्यशाली कुछ भी आते हैं, आए दिलीप जी।
बहुत बढ़िया पीयूष भाई संगी आगे बढ़ा रहे भाग्यशाली और भावपूर्वक मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन करें, हाथ लगा लीजिए वहां। आगे रहता है जिग्नेश यहाँ आगे बढ़ा रहे, साथ में हमारे मयंक भाई जसू भाई शाह, राजू भाई वाड़ीलाल शाह, बकुल भाई गंगर, केकिन भाई कुंवर जी छेड़ा, केविन भाई और केतिन भाई पीयूष दोनों तरफ पधार रहे, दोनों तरफ पधार रहे। आइए भाग्यशाली आगे हाथ लगाए शॉल लीजिए। भाग्यशाली अभी ये पवित्र उपक्रम के अंदर हमारे विकास जी सकले का जो सबसे छोटी उम्र का हिंदुस्तान का डायरेक्टर है और इस छोटे से लड़के ने 7 चैप्टर खोले सबसे पहले अपने साथ हमारे मोदी जी शैलेश मोदी जी और मनीष भाई कांदिवली ये आगे बता रहे और हाथ में चांदी का शिखर लेकर के मुख्यमंत्री जी हमेशा यश को प्राप्त करे ऐसे पवित्र भावों से मुख्यमंत्री जी को चांदी का शिखर समर्पित करेंगे। वहां के चार पुण्यशाली आगे बढ़ा रहे और मीरा भाईंदर के चार पुण्यशाली पुण्यशाली नरेंद्र जी मेहता की अगवानी के अंदर पुण्यशाली उमराव सिंह जी ओसवाल, पुण्यशाली दिलीप जी पोरवाल और हमारे किशोर जी सिमंदर स्वामी संघ के ट्रस्टी वो चारों यहां बढ़ा रहे, चार यहां आ जाए, चार जीतू हिला रहे हैं पूज्य गुरुदेव नए पद्म सागर जी महाराज साहब, साथी में उपस्थित पूज्य ध्यान पद्म सागर जी महाराज साहब, अक्षय पद्म सागर जी महाराज साहब, विशेष रूप से यहाँ पर अमेरिका से पधारे हुए रॉबी वेल्स जी, हमारे सहयोगी आशीष शेलार जी, राजपुरोहित जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, राजेंद्र पटनी जी, नरेंद्र मेहता जी, प्रशांत बम्ब जी, शायना एनसी जी, मंचासीन, सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले जियो की जो नई टीम है जिसने आज पूज्य महाराज साहब के आशीर्वाद में शपथ ली है और पदग्रहण किया है, इस पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूज्य महाराज साहब ने जियो के माध्यम से एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की निर्मिति की है
जो सेवा के रास्ते पर आज एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, और देश और दुनिया में जहां पर भी सेवा की आवश्यकता है वहां पर करुणा के भाव से, सेवा के भाव से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। कहीं सूखा पड़े तो जियो है, कहीं बाढ़ आए तो जियो है, गो सेवा करनी है तो जियो है, पढ़ाई हो, आरोग्य हो तो जियो है, उद्योग का विषय हो तो जियो है, समाज के जीवन में सभी लोगों को एक माला में पिरोकर और उसके माध्यम से जो हमारे वंचित है उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम ये महाराज साहब ने जियो के माध्यम से यहां पर किया है। और जैसा हम हमेशा ये मानते हैं कि हमारी संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से इसलिए भिन्न है कि हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को नहीं मानते। हम तो ये कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है उसको जीने का अधिकार है, और समाज की जिम्मेदारी है कि वो कितना भी दुर्बल हो, निर्बल हो, उसके जीने की व्यवस्था समाज खड़ा करे। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारा जैन विचार है वो तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवों को भी जीने के लिए, जिन जीवों को हम देख भी नहीं सकते ऐसे भी जीव उनको भी जीने का अधिकार है, ऐसा मानने वाला ये हमारा जैन विचार है। और अहिंसा जिसका मूल मंत्र है, ऐसे विचारों के माध्यम से ही मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में हम लोग एक अच्छी दुनिया, एक शांतिपूर्ण दुनिया तैयार कर सकते हैं। और उन्हीं विचारों को पूज्य महाराज साहब पूरे विश्व में लेकर जाते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अक्सर मैंने देखा है कि महाराज साहब के प्रवचनों में जैन विचार तो रहता ही है, जैन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत है वो तो रहते ही है, पर सबसे ज्यादा उनके विचारों में अगर कोई चीज देखने को मिलती है तो वो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति देखने को मिलती है। ये समाज को राष्ट्रीयता से प्रेरित करते हैं, और जब समाज में राष्ट्रीयता तैयार होती है, राष्ट्र भावना तैयार होती है, तब समाज एक दूसरे को साथ में लेकर काम करता है, स्वयं के लिए नहीं तो औरों के लिए भी काम करता है, अपने से आगे देख पाता है, राष्ट्र की उन्नति, समाज की उन्नति इसको मद्देनजर रखते हुए काम करता है, और उसी प्रकार से लोगों को प्रेरित करने का, इंस्पायर करने का काम पूज्य महाराज साहब ने किया है। और मैं जब से उनके संपर्क में आया हूं मैं उनके विचारों से बहुत प्रेरित हुआ हूं, और मुझे यह लगता है कि वे केवल धर्म कार्य नहीं करते, वो राष्ट्र कार्य भी करते हैं, और इसीलिए हम सभी लोग उनको वंदन करते हैं। आज के इस मौके पर मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जिस प्रकार का उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता है, उनकी प्रेरणा प्राप्त होती है, इसी प्रकार से उनकी प्रेरणा हमें प्राप्त होती रहे। और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में निश्चित रूप से जिन तत्वों के ऊपर, जिन सिद्धांतों के ऊपर हम लोगों ने ये राजकाज शुरू किया है, उन सिद्धांतों पर हम अड़िग रहेंगे, कभी भी उन मूल्यों का अवमूल्यन नहीं होने देंगे, और उन्हीं मूल्यों के आधार पर हम सभी समाज को साथ में लेकर सभी धर्मों के, सभी पंथों के, सभी विचारों के लोगों का सम्मान करते हुए, और जो हमारी शाश्वत भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति की मूलगामी आधारशिला पर एक प्रेरित इस प्रकार की राज्य व्यवस्था हम लोग खड़ी करेंगे, इतने मैं उनको आश्वस्त करता हूं। और साथ ही में रॉबी वेल्स जी यहां पर है, आई वुड लाइक टू विश ऑल द बेस्ट टू मिस्टर रॉबी वेल्स फॉर हिज फ्यूचर, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम हिम फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। I'm happy that you could come here all the way, and with his presence, we know that
Our Jainism has reached globally and it is respected globally, and that is why he is present here. So I am very happy that you could come here, and we look forward for more interaction with you. I once again thank you and welcome you. मैं फिर एक बार महाराज साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ. जय हिंद, जय जिनेंद्र. जीवन का यह पवित्र अवसर है कि हमें जनशासन की सेवा का ये पवित्र पुण्योदय मिला. आज शांति बनाए रखें. आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो कार्यक्रम है वो नयन गुरु महाराज जो पद्मसागर है, उन्होंने जो आज इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर जो प्रचार किया है जैन धर्म का, और इसी तरह से कोई भी वर्ल्ड का जो आज माहौल है कि आज अमेरिका, कोरिया, चाइना, ये सब लोग वॉर करने के ऊपर आके खड़े हैं, तो इसके हिसाब से उन्होंने जो संदेश दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सबको सद्बुद्धि आवे और शांति रखे और आम आदमी को कहीं पर भी नुकसान न हो, इसके लिए जो गुरुजी मेहनत कर रहे हैं और गुरुजी जैन समाज का प्रचार भी कर रहे हैं और सभी धर्म को, सभी धर्म का ये कहते हैं कि फ्यूचर में कहीं भी कोई आम आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए और सुख शांति रहनी चाहिए, वो उनका उद्देश्य है और मैं समझता हूँ कि वो उद्देश्य पूरे दुनिया में जाएगा तो वर्ल्ड में शांति रहेगी. क्या कहना चाहिए, आपका इसमें कितना सहयोग है और आपको हमेशा देते आए हो, लेकिन किस खास मेरा तो इसमें 100% है क्योंकि मैं भी एक जैन हूँ और मैं ये सब चीज़ में मानता हूँ. इसके लिए गुरु महाराज का जो आशीर्वाद रहता है उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये गुरु महाराज का जिसके ऊपर आशीर्वाद होगा उसके घर में भी शांति रहेगी और मैं समझता हूँ सब आगे बढ़े और सबके वहाँ जो गरीबी है गरीबी भी हट जाए और सभी घर में सुख शांति रहे और सब आगे बढ़े. थोड़े कम हो गए बॉलीवुड को लेकर एक्टिंग फिल्म. नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पर क्या होता है कि जब दूसरे बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बॉलीवुड तो मैं समझो कि लास्ट 40 साल से उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, एक दफ़ा मैं 90% इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होता था, मगर आज मैंने कम कर दिया क्योंकि लास्ट में कभी प्रॉब्लम लास्ट हुआ था जो मेरे साथ अनफोर्सी प्रॉब्लम आ गया था और यहाँ पे करप्शन इतना है और पॉलिटिशियन आदमी जब करप्शन पे आ जाता है तो उसकी लिमिट नहीं रहती है और आम आदमी को फंसाता है, मगर आज भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है. आज जो आदमी ने किया है वो आज भुगत रहा है और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से आदमी लोग को किसी को हार्म पहुँचाना वो गलत है. बिजनेसमैन को अननेसेसरीली आप कहीं पर भी फंसाते हो तो उसके पास चॉइस नहीं रहता है. तभी भी मैं जैन धर्म में मानता हूँ, मैं समझता था
कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो आज भी मेरी इज्जत पहले से भी 10 गुनी है और सब लोग समझते हैं कि किसी ने क्या किया था और गलत रिश्ते फंसाया था। इसके वजह से मैंने इंडस्ट्री में थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जाने से एक तो ये इंडस्ट्री बदनाम है, बॉलीवुड इंडस्ट्री बदनाम है, मगर हमने तो बहुत अच्छी तरह काम किया है और सब लोग अपनी आज भी इज्जत करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, मगर पहले 15-20 पिक्चर बनाते थे साल में, अभी 4-5 बनाते हैं। तो अभी कोई प्रोजेक्ट है फिलहाल? अभी कुछ अभी आ रहे हैं 2-3 प्रोजेक्ट आप समझे। लास्ट क्वेश्चन इसी बारे में कुछ जानना नहीं, उसके मतलब क्या है कि अभी 2 पिक्चर अपना पाइपलाइन में है और एक पिक्चर अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, सनी लियोन की छोटी पिक्चर है, मगर दूसरी 2 बड़ी पिक्चर फ्लोर पे है अभी जा रही है, मगर उसका अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। Have become very close friends. I was adopted by a minister and his wife in the state of Georgia. My father not only was a minister, but he worked with our former president of the United States, Jimmy Carter, in helping him get elected president back in 1976. Another man that stood for peace. I have always believed that anything is possible if you believe. When you take a huge leap at a lofty goal, people will ridicule you. You have to ignore it, you have to stay focused, and you have to press on, which is what I've decided to do. Our world faces many problems that I wish to solve, with constant wars, senseless killings, such as Las Vegas, poverty, homelessness, starvation, racial unrest, and a systematic destruction of our society and our environment. There is work that must be done by each and every one of us in this room today. How do you see about today's program, like, and what's the purpose of a visit over here in India? Well, today is a great day for me personally to come to India. This is my first visit here. My campaign is not just about seeing a small number of people, but the entire world being able to prosper. But in order for us to do that, we've got to understand there's a lot of Indian Americans in the United States. So if I'm going to understand Indian Americans, I need to go to their homeland and understand where they're coming from, which is why I'm here today. So I would like to engage with Guruji and to be able to speak to the people of Mumbai and to the Jain community. How did you find that actually? What was your conversation with Guruji? And Guruji has also done a lot of things for, especially for India, for the Jain community, lots of. Well, how are you going to be in hand with hand and how are you going to support? Well, thanks to Satish Reddy right here, who is my international ambassador of foreign relations. He made this all possible today to be able to actually meet with Guruji and to be able to be here with the Jain community and to be able to see firsthand the peaceful group that this is, which is what my campaign is all about. It promotes world peace. It promotes love. It promotes unity. It promotes hope. And all of us coming together as one people, because it's not about the brown race, the black race, or the white race. It's about the human race. So we've got to come together if that's going to happen. How are you preparing yourself? Are you visiting India and lots of other countries? What's your plan like? See, Robbie Wills is meeting a lot of people in different cities in India. The chief ministers of different states are meeting, the central cabinet minister, topmost industrial businessmen, and everyone would be coming off. In terms of, it's going to be an international tool worldwide. We would be went through London, England as well, and of course all over the United States. But we've got some major issues in the United States. Of course, I've taken a strong stand for the people. I'm asking the people now to rise up with me. What do you mean issues? What do you work on? As you said, like, maybe throughout the world or maybe in America, and how are you going to? Your relation with India, in fact, like business-wise, how are you going to... What's your vision for India? Well, let me just say this. India is the second largest nation in the world. And it's actually the largest democracy. In fact, the two largest democracies are India and the United States. We need to grow
the partnership, the economic partnership with India, where it just flourishes. And that's going to happen under my administration. For years now, we've had a great student exchange program with India. That needs to also grow. Because I'll tell you this right now, the United States has 5% of the world's population, which means the United States needs the world. But on the flip side, the world needs the United States. If the United States economy does not do well, the entire world does not do well. So we've got to realize that we are really all in this together. So that's why I'm here today, to let each and every one of you know, and so you can let everybody around the entire country of India know, that we've got to work on this together. And if we're going to have a great economy worldwide, it's going to take each of us working together. We can't work separately. We've got to all come together as one unit. What was the last week incident about the filing actually happened in your country? How does it really make you feel, when these kind of incidents happen? Well, you've seen over the past few years how hatred has caused a lot of problems in the United States. We've got a racial divide in the United States, with the African Americans and the white Americans and this, that, and the other. I've always been a bridge builder, but it seems like we've got a bridge burner right now. It's in the White House. And I believe it's about time that we elect someone that is actually of the people and for the people. Okay, someone that will build those bridges instead of trying to burn those bridges. Someone that's going to find the beauty in everybody instead of the faults in everyone. Because we've all got faults. Each and every one of us do. But each and every one of us has beauty too. And it's up to each and every one of us to find it and pull it out. Satish, how would you be a bridge between India and India has got a lot of potential, a lot of growth, a lot of expansion programs can be done, because India is a very big market. India needs the US market, US needs India market. If right. both collaborate, India could reach the top five in the world. As we see that we are trying to get the expansion program in proper growth across the world. Getting a lot of foreign investment coming to India, Indians investing abroad. So this is the whole thing which could work out. In terms of other thing, peace is where India, like Robbie said, democracy with the largest, two democracy parties combined, is the best peace in the world. And my last question is, any plans to meet Mr. Modi, the Prime Minister of India? Like, any plans that they maybe this time or having plans? I would love to meet with the Prime Minister. I will be here through Friday. I don't know what his schedule is. I'm pretty sure that it's tight. But if he would like to meet, I would love to meet. If I need to come back, I will be more than happy to do that. India में काफी शेड्यूल लोग फिक्स हुआ है, काफी चीफ मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स मिल रहे हैं दिल्ली में, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट मिल रहे हैं. The biggest of the industrialists in every city, हमारी सारी meetings fixed है. 5 days की schedule है, where हम सारे 5 cities में in a day 2 cities हम cover कर रहे हैं. So basically around 8 to 10 cities हमारी cover हो जाएगी. जैसे अभी इन्होंने बताया कि ये प्रेरित हुए हैं महाराष्ट्र से, क्या कहेंगे, किस तरह इन्होंने इच्छा जताई यहाँ से आके महाराष्ट्र से? See, आज की तारीख में इतना टेररिज्म हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है. तो जैनिज्म जो है वो पीस लविंग पीपल है, पीस स्प्रेड करती है. रॉबी वेल्स आल्सो बिलीव्स कि वो पीस स्प्रेड हो अक्रॉस द वर्ल्ड. तो इन दैट वे इट बिकम्स टुगेदर इन पार्ट ऑफ इट. एनी मोर क्वेश्चंस? सर, यू आर बीइंग अ फुटबॉलर एंड अ कोच, बीइंग अ फुटबॉलर एंड कोच, एंड योर विजन राइज अप, व्हाट डू यू सी विद सतीश टेंडुलकर कमिंग टू इंडिया? विल इट बी योर किक स्टार्ट योर कैंपेन, 2020 कैंपेन विल बी हियर? Well, our world campaign has actually started back in April when we went to China. But this is just another stop that we're making. But what I will tell you about India, it is so neat. India and the United States are both democracies. There's no reason why we shouldn't have a bigger partnership with India than we do right now, which is what you're going to get with a Wells administration. Thank you. Hey,
Very good, please. पुण्यशाली अभी यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, इसलिए कोई भाग्यशाली आगे नहीं आए, थोड़े दूर रहे और कोई भी माइक में अभी अनाउंसमेंट नहीं। और आप सभी जब तक इंटरव्यू चले तब तक बिल्कुल मौन रहिएगा, अलग अलग मीडिया से सारे के सारे अलग अलग से सब यहाँ पर आएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा मौन रखिए। सब मौन रखिए, थोड़ा पीछे चलो। ओके, रोलिंग करते हैं। उसका सबसे पहला उद्देश्य है पूरा महाराष्ट्र सुखामुक्त बने। हमने 2 साल से जियो के माध्यम से और हमारी जैन संस्थाओं के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के अंदर तालाब खुदवाना, कैनाल खुदवाना शुरू किया है और अभी तक लगभग 600 से ज़्यादा तालाब और लगभग 800 हेक्टर एरिया, उसके अंदर भी उतने किलोमीटर के एरिया के अंदर भी हमने काफ़ी कैनालें खुदवा दी है और उसके अंदर आज पानी लबालब भरा है। हमारा 5 साल के अंदर टारगेट है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 17,000 तालाब खुदवा देना और महाराष्ट्र के अंदर पानी के बिना एक भी इंसान, एक भी पशु ना मरे, ये हमारी जियो की संस्था का पहला उद्देश्य है। हमने आज ये शुरू करने के अंदर दूसरा उद्देश्य है, हर साल 16 लाख से 20 लाख पेड़ लगवाना, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा से हमारी मानवीय सभ्यता को नुकसान न हो। हमारा तीसरा उद्देश्य है नए व्यापार बढ़ाना और नई जॉब वगैरह तैयार करवाना। जैन बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी है और वर्ल्ड आपके सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सबका यूनो का रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में 29% वेल्थ जैनों के पास है, तो हम व्यापार इतने बढ़ाना चाहते हैं जिससे नए, आज कम से कम 5 करोड़ लोग जैनों के यहाँ व्यापार करते हैं, नए 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिले, ऐसे व्यापार बढ़ाने का हम लोगों ने ड्रीम बनाया है और उसकी बहुत बेहतरीन सफल व्यूहरचना चल रही है। साथ ही साथ ये पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारतवर्ष के अंदर हमने अहिंसा का आंदोलन शुरू किया है, नॉन वायलेंस। आज वर्ल्ड में वायलेंस बढ़ रहा है और इसीलिए कुदरत की सुरक्षा, इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि आज समुद्र की सपाटी बढ़ने की संभावना है। बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, ये सब समुद्र के किनारे हैं और आज ओजोन के अंदर जो माहौल बना है, जो ओजोन के अंदर जो लेयर के कारण गर्मी बढ़ी है और जो बर्फीली शिलाएँ पिघलेगी और यदि 5-10 सेंटीमीटर भी या 5 फुट भी यदि समंदर की हाइट बढ़ जाती है तो समंदर के किनारे रहने वाले सारे के सारे शहर नष्ट हो सकते हैं, तो हमें उसकी आज चिंता है और इसलिए उस ओजोन के लेयरों को रोकने के लिए या जो बड़े पड़लों के अंदर जो भयंकर वातावरण बन रहा है उसको रोकने के लिए हमने सरकार से निवेदन किया है कि वो कत्लखाने बंद करवाने की कोशिश करें, क्योंकि उससे अलग अलग जो वेव्स पैदा होते हैं जिसको विज्ञान की भाषा में आइंस्टाइन वेव बोलते हैं, वो वेव्स यदि कम हो गए तो कुदरती प्रकोप रुकेगा। आज भारत के 3 साइंटिस्टों ने कहा है, इटोलॉजी ऑफ अर्थक्वेक एंड न्यू अप्रोच, बजाज, इब्राहिम और सिंह, ये तीनों वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है अर्थक्वेक भूकंप का मूल कारण स्लॉटर हाउस है और ये स्लॉटर हाउस यदि भारत में से रुकेगा तो अर्थक्वेक रुकेगा। कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते और न हमारा अधिकार है, सबको क्या भोजन करना उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा भोजन करे जो हेल्दी फूड हो, जो बीमारियां ना लाए, जो हमारे मन को प्रसन्न रखे और देश और विदेश के अंदर
क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आहार बिगड़ेगा तो विचार बिगड़ेगा और विचार बिगड़ेगा तो आचरण बिगड़ेगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड ये जो कुदरती आपत्तियां आ रही है उससे बचे, ऐसा हमारा प्रयास है। और विशेष करके मीडिया जगत के अंदर अच्छी अच्छी बातें आप लोग पहुंचाते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति की सारी श्रेष्ठतम वैज्ञानिक और लॉजिकल बातें पूरे विश्व में पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास है। रॉबी वेल्स जी को बुलाने के पीछे का यही मकसद था, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय कल्चर है, जो भारतीय पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, भारत के अंदर जो वडिलों का सम्मान है, भारत के अंदर पाप और पुण्य का जो जबरदस्त विश्वास है, सद्गति और दुर्गति, मोक्ष और आत्मा, उसका अद्भुत कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट और रीबर्थ का सिद्धांत पूरे विश्व में फैले, जिससे लोग गलत करने से डरे, पाप करने से डरे और गलत करके व्यक्ति नरक में, हेल में, दुर्गति में न जाए, ऐसा हमारा पुरुषार्थ है। जैन कम्युनिटी का कितना सहयोग रहेगा कि बॉबी वेल्स यहाँ पर आए हैं? हाँ, तो क्या आने वाले इलेक्शन में बॉबी वेल्स यहाँ आए हैं? और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आज मुझे रॉबी वेल्स की बात सुनकर के बहुत खुशी हुई। इन्होंने आज कहा कि वीक में दो दिन में नॉनवेज नहीं खाऊंगा, बहुत बड़ी बात है ये उनकी हेल्थ के लिए, उनके वेल्थ के लिए, उनके सोल के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े राष्ट्र के, वो एक साधु के संपर्क में आकर के वीक में दो दिन नॉनवेज खाना बंद करे। आज चाइना गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर स्टेप लिया है, नेपाल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टेप लिया है, शिकागो के अंदर सारे अद्यतन कतलखाने बंद कर दिए गए हैं, इटाली के अंदर पूरा शहर शाकाहारी है, वहाँ के मेयर ने कहा कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है और हमें सारे धर्मों का सम्मान है। मैं तो सबको स्पष्ट कहता हूँ, मैं हिंदुओं का सन्यासी हूँ, ईसाइयों का पादरी हूँ, मुसलमानों का फ़कीर हूँ और जैनों का साधु हूँ, मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं और हम सभी इस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेके चलेंगे तो विश्व में कहीं पर भी अराजकता नहीं होगी, सभी अच्छे हैं, सभी प्रेम से चले, ऐसा संदेश लेकर के हम जाते हैं। और अभी तक 80,000 किलोमीटर की पूरे भारतवर्ष और नेपाल की हमारी पदयात्रा हुई है, उसके अंदर भी हमें ये संदेश देने का अवसर मिला और हजारों लाखों युवाओं को व्यसनों से बचाने में हमें कामयाबी मिली है, ये परमात्मा की ऊपर वाले की कृपा है। थैंक यू सर। गुरु जी नमस्कार।